हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। आज के दिन की शुरुआत भी हो चुकी है हल्की हल्की धूप के साथ, तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत भी करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है संगीता और मेरे गांव का नाम है देवर, जो कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बसा एक सुंदर सा गाँव है। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से और मेरे गाँव देवर से। आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ मॉर्निंग के 9 बजे से। 3-4 दिन की लगातार बारिश के बाद आज थोड़ा सा धूप आई है। कहीं बादल ऐसे ही है, कहीं कहीं पे थोड़ा सा मौसम साफ हुआ है। सुबह तक तो अच्छी धूप खिल गई थी एक बार, फिर से थोड़ा पैक होने लगा है, पर थोड़ी थोड़ी धूप आ रही है। और थोड़ी धूप को देखते हुए हमने सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं, क्योंकि सारे कपड़े गीले हो गए थे, मतलब नहाए धोए और ऐसे ही गीले थे, तो इनको आज सुखाने के लिए रख दिया है। और साथ में मैंने बिस्तर भी बाहर डाल दिया है, क्योंकि ऐसी बारिश में सब चीज़ गीला गीला गंदा हो गया था। और आज हम अब घर की सफाई भी करेंगे, क्योंकि आज बहुत दिनों के बाद धूप आ रही है। तो और अभी मैं आ गई हूँ अपने खेत में घास काटने के लिए। कुछ इस तरह से है पहाड़ों का जीवन, धूप हो चाहे बारिश हो, घास तो निकालना है, क्योंकि गाय भैंस पाल रखे हैं तो उनको टाइम पे घास भी ज़रूरी है। और ये है हमारे झंगोरे की फसल और इसकी निराई गुड़ाई हमने कंप्लीट कर ली है। और जब ये फसल पक जाएगी तो इसकी बालियां अलग करके ये नीचे का जो घास है इसको हम सर्दियों के लिए स्टोर करके रखेंगे अपनी गाय भैंसों के लिए। अभी मैं आ गई हूँ खेत से घर घास लेके। और दोपहर का मौसम कुछ इस तरह से हो गया है, फिर से पूरा पैक हो गया है और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी होने लगी है। लगता है शाम को फिर से बारिश आएगी। अभी बज रहे हैं शाम के 6 और अभी का मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, चारों तरफ कोहरा लगा है। आज सुबह थोड़ा मौसम ठीक था, मतलब थोड़ा साफ था मौसम, पैक तो ऐसे हो रखा था पर बारिश नहीं आई। और आज ऐसे शाम को ऐसा कोहरा लग गया, कितना बेकार हो गया आज का मौसम। और आज मैंने सुबह बनाया था थोड़ा सा ब्लॉग और शाम को बारिश हो गई और अभी कोहरा लगा है, तो कुछ स्पेशल है नहीं मेरे पास ब्लॉग बनाने के लिए। तो मैं आज अपने इंट्रो पर ब्लॉग बनाऊंगी और मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ से हूँ। तो चलिए मेरे इंट्रो पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और मेरे गाँव का नाम क्या है और मेरा गाँव कहाँ पड़ता है। तो मैं उत्तराखंड रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ और दुखीमठ हमारा ब्लॉक है और देवर मेरे गांव का नाम है, जो कि गुप्तकाशी से 3-4 किलोमीटर की ऊंचाई पर है और केदार घाटी में आता है। और मेरा नाम है संगीता, जैसे कि आपको मैं हर ब्लॉग में बताती हूँ मेरा नाम है संगीता और मेरे हस्बैंड का नाम है राहुल, और हम दोनों पहाड़ी लाइफ स्टाइल से रिलेटिव ब्लॉग बनाते हैं। और हाल ही में हमारी शादी हुई है, अभी 4-5 महीने ही हो रहे हैं हमारी शादी को। और उसके बाद शादी के बाद हमने मतलब साथ में ब्लॉग बनाए, हमेशा साथ में ही ब्लॉग बनाते थे अभी तक। उसके बाद मेरे हस्बैंड देहरादून चले गए आगे की पढ़ाई करने के लिए, तो अब मैं अकेले ब्लॉग बनाती हूँ। और अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और बहुत तेज़ बारिश लग रही है, आप भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये था मेरा इंट्रो, और अगर आपको मेरे बारे में और कुछ जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, और आपको आज की वीडियो कैसी लगी वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा एंड बाय बाय।